कौशाम्बी में चैरिटेबल ट्रस्ट की आड़ में मानव अंग की तस्करी का आरोप लगा, जिसके बाद हरकत में आए प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए। ट्रस्ट के पास का कुछ दिन पहले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें तस्करी की शिकायत करने वाले शख्स की पिटाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक शख्स के साथ कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं। लोगों ने उसे घेरा हुआ है और ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन इस शख्स की पिटाई जिन वजहों से की जा रही है उसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जिस शख्स की पिटाई की जा रही है उसका नाम अंसार अहमद है, जो कि कौशाम्बी के एक ट्रस्ट में काम करता था। अब आप इस आश्रम के एंट्री गेट को जरा देखिए, जहाँ धर्मार्थ लिखा है, लेकिन इस चैरिटेबल ट्रस्ट के भीतर इतने बड़े पाप का खुलासा हुआ है जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जहां इसका संचालक मनोरोगियों को रखता था, लेकिन उसकी आड़ में पैसे बनाने के लिए ट्रस्ट के संचालक ने गलत रास्ता चुन लिया। अब ये ट्रस्ट संदेह के घेरे में है और जांच की मांग की जा रही है। ट्रस्ट में काम कर चुके एक कर्मचारी ने संचालक पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। ये वही कर्मचारी है जिसके साथ मानव अंगों की तस्करी वाले ट्रस्ट के लोगों ने मारपीट की थी। मेहंदी अली के आश्रम में हम काम करते थे, जब उसका हो गया था स्ट्रक्चर का काम शुरू हुआ था, तो उसका गेट ये वो सब हम ही बनाए हैं। वो पागलों को बाहर के लेके आता था, वहीं पे उनको बहुत मारता था नशे की हालत में, और उनसे मार मार के पूरा मसाला ये खुदाई और ये सब करवाता था। दो पागल तो वहीं पे मारते मारते मर गए, उनको वहीं पे दफनाया गया। कहाँ का मामला? ये मेनहाजपुर का वन अम्ब्रेला नाम से एक ट्रस्ट अभी बना है, और ये जब आए थे यहाँ पे तो इनके पास कुछ नहीं था। यहाँ पे ये इधर उधर चंदा भी मांगते थे। अभी तो वहाँ पे बहुत बड़ा हो गया है, बिल्डिंग भी खड़ी हो गई है। इसकी शिकायत कहीं की आपने? हाँ, इसकी शिकायत हमने एसपी साहब से की है और इसके ऊपर भी की है। मामला सराय अकिल थाना क्षेत्र के मिनहाजपुर गांव का है, जहां गांव के बाहर जंगल में मनोरोगियों के इलाज के लिए वन अम्ब्रेला चैरिटेबल ट्रस्ट का संचालन तकरीबन 7-8 सालों से किया जा रहा है।